और बालको कैसे हो। सो आज हम बातचीत करेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले हमने बातचीत किया था श्वसन के बारे में, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर देखो, तभी आप जो है यहाँ समझ पाओगे प्रॉपर ढंग से श्वसन क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताया है। तो देखो भाई, मानव श्वसन तंत्र जो है किस काम आता है, सांस लेने के लिए। भाई सांस ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, मतलब कि अंत श्वसन करते हैं और उच्च उच्छ्वसन करते हैं। तो ये दो प्रक्रियाएं जो है मानव श्वसन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, साथ के साथ डायग्राम ड्रॉ करोगे। उससे पहले थोड़ा हल्का फुल्का समझ लो क्या होता है मानव श्वसन तंत्र में। हम नाक की हेल्प से जो है, नाक की मदद से ब्रीद इन करते हैं, सांस लेते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, वायु को। हवा को अंदर लेने के बाद जो है वो वायु कहाँ जाता है, श्वास नली से होते हुए, श्वास नली से होते हुए आगे जब वो दो पार्ट में डिवाइड होता है तो श्वसनी होता है, और उस श्वसनी से दो और भी बहुत सारे श्वसनिकाएं होते हैं उसमें डिवाइड होता है। फिर आगे कूपिकाएं होती हैं जो फेफड़ों के अंदर बंद होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे की तरह, जो वायु के आदान प्रदान में मदद करता है। तो उसका डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से समझना और ऐसे ही बनाना डायग्राम एग्जाम में, आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। सो समझिएगा। तो भाई ये जो है हमारे पास नाक है और इस नाक से मुंह भी कनेक्टेड होता है हमारा, जो लास्ट टाइम बताया था डाइजेस्टर, उसमें पाचन तंत्र बनाया था। अब जैसे ही नीचे आते हैं ना भाई, एक हमारे पास यहाँ पे हड्डियों की प्लेट सी दिखाई देती है, ये हड्डियों की प्लेट ऐसी कुछ होती है। ये हड्डी की प्लेट क्या किस काम आती है, हमारा जो ये श्वास नली और भोजन, जो मतलब सांस और भोजन जो ले रहे हैं, दोनों के दोनों आगे जाकर जो है इस इन हड्डियों के कारण सेपरेट होता है। कहीं हम मुंह का जो खाना है वो फेफड़े में ना चला जाए, पानी वगैरह जो पीते हैं वो कहीं फेफड़े में ना चला जाए, इस कारण से ये रुकता है। तो ये हड्डियों की प्लेट प्लेट बोनी प्लेट। उसके बाद आगे जब जाओगे तो एक और आपको यहां देखने को मिलता है कंठ। अभी एक एक चीज बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब इसको आगे बोला जाता है श्वास नली। अब ये श्वास नली जो है आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसको बोलेंगे श्वसनी। अब ये श्वसनी भी आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, श्वसनी भी आगे जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं श्वसनिका। इसको श्वसनिका कहा जाता है। अब ये श्वसनिका जो है और आगे डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। आप अपनी इच्छा अनुसार और भी बहुत सारा बना सकते हो, मैं थोड़ा ही बनाऊंगा। और इसके ऊपर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कूपिका, जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, इसको बोलते हैं कूपिका। गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती है, 7th-8th क्लास में आपको एक्टिविटी भी कराई गई होगी स्कूल में, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ये कूपिकाएं होती हैं दोनों साइड से रहेगा भाई। बना लेना अपनी इच्छा अनुसार जितना जितना जरूरत हो भाई। अब इनको दोनों साइड से बड़ा सा बलून में बंद कर दो, जिसको बोलते हैं फेफड़ा। ये मैंने बंद कर दिया। अब इसमें भाई यहां ये जो हमारा फेफड़ा है और नीचे जो हमारा पेट होता है, वो दोनों की दोनों आपस में चिपक ना जाए, उससे बचाने के लिए यहां पर एक मसल्स होता है, इसको बोलता है डायाफ्राम। यहां एक मसल्स होता है ऐसा, इसको बोलाता है डायाफ्राम। अब समझना भाई क्या क्या है। ये हमारा है श्वास नली या नासिका कह सकते हो, नाक है हमारा, नासा द्वार भी कहते हैं इसको। नासा द्वार हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ नासा नेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर है, इसको नासा द्वार इसलिए बोले क्योंकि नाक है, नाक से जो है हमारी हवा अंदर जाएगा या बाहर आएगा। और इसको बोलेंगे मुंह, हमारा ये मुंह होता है, मुख होता है, ग्रास नली भी कह सकते हो, मुख भी कह सकते हो। अब ये आगे जो है ये जो है हमारा, इसको भाई हम कहते हैं ग्रसनी कहा जाता है इसको, इसको कहेंगे ग्रसनी।
ये ग्रसनी एक हड्डियों का प्लेट होता है जो क्या करता है, खाने को फेफड़े में जाने से बचाता है। उसके बाद ये कंठ देख रहे हो, इसको कंठ कहा जाता है। आप ये देखोगे यहां पे हड्डी ऐसा निकला हुआ रहता है, जिसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। लड़कों के अक्सर निकल जाते हैं क्योंकि उनकी आवाज भारी हो जाती है एडोलेसेंट एज में। मेरे को तो मेरा नहीं दिख रहा होगा, बट कईयों के यहाँ निकला हुआ होता है। तो उसको बुलाता है भाई कंठ, जिससे हम आवाज उत्पन्न कर पाते हैं। बिना कंठ के हम नहीं बोल पाएंगे, बल हमारी जो हवा यहां जाती है अंदर वाइब्रेट होती है, जिस कारण से आवाज उत्पन्न होती है। इसको बोला जाता है भाई श्वास नली। इसको श्वास नली कहते हैं। इस श्वास नली के ऊपर बच्चों बहुत खास बात है, ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से उठता है। इस श्वास नली के ऊपर एक हड्डियों की वल्ले होते हैं, रिंग लगी होती है, उपस्थि के वल्ले होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल छल्ले, कड़े जैसे छल्ले लगे होते हैं इसके ऊपर। ये छल्ले जो होते हैं उपस्थि के होते हैं। उपस्थि, आप बोलोगे उपस्थि क्या होता है, भूल गए हम तो, 9th में पढ़ा था भाई। एक होता है अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, जिससे हमारा यहाँ पैर पूरा हड्डी और पूरा शरीर का ढांचा बना हुआ है। और उपस्थि होता है जिसे ये फ्लेक्सिबल हड्डी, जो ये आप कान देख रहे हो बहुत फ्लेक्सिबल है, ये घुमाया भाई छोड़ दिया वापस अपनी जगह पर चला गया। नाक को देखो भाई, जिधर मर्जी घुमाओ वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। तो भाई इसको बोलते हैं उपस्थि, और यहाँ जो है उपस्थि के वल्ले हैं। अब बोलोगे यहाँ क्या काम है, इधर तो समझ में आता है कि भाई ये अपनी पोजिशन पर वापिस चला जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही काम है कि भाई देखो, जब हम सांस लेते हैं अंदर लिया हवा भर गया, लेकिन जब वापिस छोड़ेंगे कई बार क्या होता है, सांस अंदर लेने में बाहर में चिपक जाता है, ये जो है चिपक सकता है। तो भाई उसको कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए हमारी श्वास नली, उससे बचाने के लिए यहां पर क्या है, उपस्थि के छल्ले हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई जो उसमें श्वास नली के ऊपर उपस्थि के छल्ले हैं उसका कारण क्या है। तो बोलोगे कि भाई श्वास नली आपस में चिपक ना जाए, इस कारण से बचाने के लिए जो उपस्थि के छल्ले हैं। तो ये क्या है भाई, उपस्थि के छल्ले या वल्ले कहते हैं भाई। छल्ले को साइंटिफिक भाषा में वल्ले कहा जाता है। अब भाई ये जो है, ये तो था श्वास नली, और इन दोनों को कहा जाता है श्वसनी। इन दोनों को क्या कहते हैं, श्वसनी। मैं यही मार्क कर दे रहा हूं। अब ये जो आगे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसको बोला जाएगा भाई श्वसनिका। इसको बोलेंगे श्वसनिका। समझ पा रहे हो बातचीत को, इसको क्या बोला जाएगा, श्वसनिका बोला जाएगा। अब ये आगे जो ये देख रहे हो बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाएगा कुपिका, या फुफ्फुस भी कहते हैं। फुफ्फुस भी कहते हैं या कुपिका भी कहा जाता है। तो भाई अब उसके बाद जो है, ये आप देख रहे हो, ये है फेफड़ा। इस पूरे को, संपूर्ण को क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। ओ सॉरी, फुफ्फुस इसको नहीं बोलेंगे, कुपिका को फुफ्फुस नहीं बोलेंगे, फुफ्फुस फेफड़ा को कहा जाता है। फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहते हैं। ये डायाफ्राम है, समझना भाई, ये किसका कार्य बहुत जरूरी है समझना। आपका क्या भाई कार्य बताया, नासा द्वार सांस लेने में मदद करेगा, मुख द्वार खाना खाने में मदद करता है, आगे ग्रसनी क्या करता है, ग्रसनी एक हड्डियों का प्लेट है जो क्या करेगा, खाने को फेफड़े में जाने से बचाएगा। आगे कंठ है, कंठ का कार्य क्या होता है, आवाज ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करेगा। श्वास नली से जो है हमारी सांस अंदर जाएगी, और श्वास नली के ऊपर उपस्थि के छल्ले हैं, उसका क्या कार्य होता है, कहीं श्वास नली आपस में चिपक ना जाए, उससे बचाने के लिए उपस्थि के छल्ले हैं। आगे जो है श्वास नली दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, श्वसनी। और वो श्वसनी आगे फिर से डिवाइड होता है बहुत सारे श्वसनिका में, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको बोलते हैं श्वसनिका। और उसके बाद उस हर एक श्वसनिका के ऊपर क्या होता है, कुपिका लगा होता है, गुब्बारे जैसी संरचना होता है, जिसको बोलते हैं कुपिका, जो क्या करता है, गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। ये कुपिका जो है गैसों के आदान प्रदान में मदद करेगा। और उसके वो इन सभी कुपिकाओं को कहां हमने रखा है, फेफड़े में, एक बहुत बड़ा सा बलून में रखा है, जिसको बोलते हैं फेफड़ा या फुफ्फुस भी कहा जाता है। हमारा फेफड़ा और पेट आपस में चिपक ना जाए, उसको बचाने के लिए हमने क्या रखा है, डायफ्राम रखा है। अब इस कुपिका के अंदर बच्चों रुधिर वाहिकाएं होती है, रुधिर वाहिकाएं बहुत पतली पतली पाइपलाइन होती है, जो गैसों का आदान प्रदान कराने में मदद करता है। अब समझना भाई कार्य, समझना इसका, ये आपको डायग्राम बता दिया, आप कार्य समझो।
कार्य क्या होगा, हम अब नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेंगे तो भाई हवा में बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे गैसेस है, डस्ट पार्टिकल वगैरह है। जैसे ही सांस लेते हैं तो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होती हैं, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, वो क्या करता है कि अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह है, थोड़ा सा भी डस्ट है, तो वो उसको क्या करेगा, रोक लेगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स को रोक लेगा। लेकिन अगर और ज्यादा डस्ट है, पॉल्यूटेड एयर है बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा जब भी कहीं धूल भरी एरिया में जाते हो तो थोड़ी देर तक सांस बड़े मजे से लेते हो, आफ्टर सम टाइम आपका नाक बहना शुरू हो जाता है, नाक बहना शुरू हो जाता है। नाक बहना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ऊपर की तरफ हवा जाता है तो यहां पर होता है म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्रंथि होता है जो क्या करता है, म्यूकस रिलीज करता है। आप बोलोगे म्यूकस क्या होता है, जो तरल पदार्थ आपके नाक से निकलता है ना उसी को म्यूकस कहते हैं, वो निकलता है। अब बोलोगे वो क्यों निकलेगा भाई, उसका क्या कार्य है, तो वो इसलिए निकलता है बच्चों ताकि जो हम हवा ले रहे हैं अंदर, उस हवा के अंदर जो भी मिट्टी वगैरह है वो अगर नाक में ऊपर जाके ऐसे स्ट्राइक करेगा, चिपकेगा उस पे, तो वो जो भी मिट्टी विट्टी है वो यहीं चिपक जाए और हवा जो है साफ होने के बाद जो है अंदर कहां जाए, इस श्वास नली में जाए। तो भाई यहां से नाक से जो है आगे फर्दर कहां चला जाएगा, श्वास नली में। श्वास नली से पहले ग्रसनी है, ग्रसनी का कार्य आपको क्या बताया, खाने को उसमें फेफड़े में जाने से बचाता है, खाना पानी को। और कंठ का क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करने में मदद करेगा। आगे जो है श्वास नली से होते हुए हमारा हवा कहां जाएगा, हमारी जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, वो कहां जाएगा, श्वसनिका में। अब इस श्वास नली को चिपकने से बचाने के लिए, कोलैप्स ना हो जाए आपस में, उससे बचाने के लिए इसके ऊपर उपस्थि के छल्ले होते हैं। अब ये जो श्वसनिका है, श्वसनिका जो श्वसनी है, ये श्वसनी आगे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं श्वसनिका। हर एक श्वसनिका के ऊपर बलून लाइक स्ट्रक्चर, गुब्बारे जैसी संरचना है, जिसको बोलते हैं कूपिका। और वो कूपिका जो है, उस कूपिका के बाद क्या होता है, रुधिर। हर एक कूपिका जो है रुधिर वाहिका से कनेक्टेड होता है, और रुधिर वाहिका हमारे शरीर में पूरे में है। और ये जो है आपका बहुत बड़ा सा बलून जिसको बोलते हैं फेफड़ा। अब इस फेफड़े और रुधिर वाहिका की फेफड़े और कूपिका की मदद से क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीजन है वो एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन किसको दे देगा, ब्लड को, रक्त को ऑक्सीजन दे देगा, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। अब आप लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि भाई ये जो है इसको कैसे पता चलता है ऑक्सीजन देना है और कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। तो भाई देखो होता क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ओस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, परासरण के बारे में सुना था आपने, कि भाई अति परासरण दाबी और कम परासरण दाबी, उसके बारे में। परासरण विधि द्वारा जो है, जैसे अगर मान लो यहां से हमने ऑक्सीजन लिया अंदर, जैसे ऑक्सीजन अंदर लेंगे बॉल क्या होगा, फूल जाएगा, बलून जो है फूल जाएगा। अब देखो जैसे बलून फूल जाएगा तो अंदर यानी कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि बाहर से हमने गैस लिया उसके अंदर ऑक्सीजन होगा। अब बोलोगे ऑक्सीजन ही क्यों होगा, नाइट्रोजन भी हो सकता है, इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैस बहुत सारा हो सकता है, जरूर हो सकता है, सारे गैस है, लेकिन शरीर को जो गैस चाहिए वो ले लेगा, बाकी गैस वापस भेज देगा। तो इसलिए भाई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हवा में तो बहुत सारा गैस है, हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है ऑक्सीजन ही लेना है। तो भाई हमारी बॉडी में खाली ऑक्सीजन ही यूज नहीं होता, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा थोड़ा और भी यूज होता है, हाइड्रोजन वगैरह भी यूज होता है। तो हमारे शरीर को जो गैस चाहिए वो रख लेगा, बाकी बात छोड़ देगा वापस। तो भाई यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है मुकाबले, और यहाँ बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, क्यों, क्योंकि कोशिका ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किया है। तो वो आप सोचो भाई, दो कमरे हैं आपके पास, एक कमरा इधर है और एक कमरा इधर है, इधर अगर मान लो पानी पूरे कमरे में पानी भर रखा है और दूसरे कमरे में पूरा खाली छोड़ रखा है, तो अगर मतलब बीच में से जो ये परत है अगर वो हटा दे तो पानी किधर जाएगा, भरे हुए से खाली हुए में जाएगा ना। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है भाई, अंदर जो है ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, अंदर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुआ। जैसे ये बहुत पतला सा मेम्ब्रेन है, बहुत पतला सा झिल्ली है, तो भाई इस पतले से झिल्ली से ऑक्सीजन बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। तो इस तरीके से परासरण विधि द्वारा जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, और गैसों का जब ये ऑक्सीजन दे देता है किसको, इसको रुधिर वाहिका के थ्रू जो है उसमें रक्त में प्रवाहित कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वापस छोड़ दिया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया के दौरान हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। मतलब कि इस अगर हम श्वसन प्रक्रिया में बात करें तो हमारे पास दो प्रक्रियाएं होती है। आपसे पूछा जाता है क्या क्या श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आप बोलोगे एक अंत श्वसन होता है और एक उच्च वसन होता है। अंत श्वसन कौन कौन सा, अंत श्वसन और उच्च वसन। तो ये दो प्रक्रियाएं होती हैं, दोनों में अंतर पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि भाई श्वसन के दौरान क्या प्रक्रियाएं होती हैं, दोनों प्रक्रियाएं बताओगे। अंत श्वसन में क्या होगा, जब आप सांस को अंदर लेते हो, हवा को हमने अंदर लिया, अंदर लेने पर क्या होगा भाई, ये आपका बलून जो है वो फूल जाएगा, ये बलून जो है आपका जो कूपिका है वो फूल जाएगा, फेफड़ा भी फूल जाएगा।
और इसके अलावा जो ये डायफ्राम देख रहे हो, डायफ्राम नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि भाई सब कुछ फूलेगा तो ये नीचे जाएगा। ये होता है अंत श्वसन के दौरान। तो हम बोलेंगे भाई अंत श्वसन में क्या क्या होता है, हम वायु को अंदर लेते हैं, इसके अलावा वायु को अंदर लेने के अलावा जो है कूपिकाएं फूल जाती हैं, फेफड़े भी फूल जाते हैं, हमारी छाती ऊपर की तरफ आ जाती है क्योंकि देखो जब सांस अंदर लोगे तो सांस अंदर लोगे तो क्या होगा, छाती ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है ना, और इसके अलावा डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और उच्च श्वसन में क्या होगा, हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना, तो भाई हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है। इस दौरान क्या होगा, जो हमारी कूपिकाएं है सिकुड़ जाएंगी, फेफड़े भी सिकुड़ जाएंगे और हमारी छाती अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है और डायफ्राम जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होता है अंत श्वसन और उच्च श्वसन के दौरान। अब भाई फेफड़ा जो है, हमारे फेफड़े का आकार बच्चों साइज की बात करें, अगर दोनों फेफड़े को खोल दिया जाए, उसके अंदर पूरा हवा भर दिया जाए, तो समझ लो आपके आप जिस कमरे में रह रहे हो ना, उस पूरे कमरे में फेफड़ा ही फेफड़ा रहेगा, इतना बड़ा बलून होता है। मतलब कि लगभग एक कमरे के साइज के बराबर होता है, लगभग आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर 10 बाय 10 का कमरा है ना आपका, उस पूरे कमरे में अगर फेफड़े को खोल के हवा भर दिया जाए, पूरे कमरे में फैल जाएगा, इतना बड़ा होता है हमारा फेफड़ा। इसलिए बोला जाता है भाई आपको ना ब्रीद इन और ब्रीद आउट लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। सुबह सुबह उठाता है लंबा सांस लो भाई, अलोम विलोम करो। कारण क्या होता है, जब हम लंबा लंबा सांस लेंगे, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में शरीर में जाएगा, और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में जाएगा तो हमारे कोशिकाओं को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल पाएगा, और पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारा शरीर का सारे कोशिकाएं प्रॉपर ढंग से काम करेगा, सही ढंग से काम कर पाएगा, और सही ढंग से काम करेगा सब कुछ झकास चलेगा। इसलिए बोला जाता है कि भोरे भोरे भाई चाहे 10 मिनट के लिए अलोम विलोम करो, किया करो, अलोम विलोम किया करो, उससे ब्रीदिंग ब्रीद आउट करोगे तो उससे क्या होगा, फेफड़ा पूरा प्रॉपर ढंग से खुलता है, तो उससे जो है हमारे शरीर का जो भी प्रक्रिया है वो सब झकास रहता है, बिल्कुल टोटली चकाचक रहता है। तो समझ पाए भाई, ये होता है हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, मानव में श्वसन तंत्र के बारे में डिटेल में समझाया, समझ में आ रही है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी अगली क्लास में जो संवहन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई अभी तक जो देखो हमने खाना वाना को ऊर्जा में परिवर्तित किया, अब रक्त में प्रवाहित कैसे होता है और क्या क्या होता है, रक्त के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सबके बारे में जानेंगे, लेकिन आज नहीं अगली सभा में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली सभा में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर।